हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ओम टेक वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, हमने विंडोज 2012 आल्टो सर्वर के लास्ट वीडियो में डोमेन यूज़र को क्रिएट करने के बारे में जाना था, किस तरीके से हम डोमेन यूज़र को क्रिएट करते हैं। और आज के इस वीडियो में दोस्तों, हम उन डोमेन यूज़र्स को कैसे मैनेज करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होना होता है। तो मैं अपने 2012 आल्टो सर्वर के ऊपर अपने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर अपने सर्वर मैनेजर पर क्लिक करेंगे। और देखिए यहाँ पे दोस्तों, हमारा सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड ओपन हो गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे राइट साइड में ऊपर की तरफ में टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। और उसका देखिए यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स का विजार्ड ओपन हो गया है। और यहाँ पे देखिए मेरा एक डोमेन का नाम आ रहा है, हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास कुछ ओयूज क्रिएट हैं, कुछ यूजर्स क्रिएट है मेरे पास यहाँ पे, और भी कुछ ग्रुप्स क्रिएट्स हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, हम यूजर्स पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे पास यूज़र है विजय नाम का, यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप है एचआर नाम से, यूज़र मोहित नाम से है। और सेल्स डिपार्टमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास दो यूज़र हैं, सुनील और यूज़र टू। मार्केटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे भी हमारा एक यूज़र है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं चाहता हूँ कि अमित कुमार है, ये हमारा कुछ टाइम के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के बाहर गया हुआ है, मतलब हॉलीडे पर गया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि इसके अकाउंट को तब तक के लिए हम डिसेबल कर दें ताकि इसके अकाउंट का जो हमारी जो यूज़र है इसके अकाउंट का कोई मिसयूज़ ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपने इस यूज़र को डिसेबल कर देते हैं, क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा डिसेबल अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, हमें यहाँ पे ओके करने के लिए कह रहा है, ओके कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ये यूज़र है अमित कुमार का, डिसेबल हो चुका है। और यहाँ पे देखिए यूज़र के आगे यहाँ पे ब्लैक कलर का एरो साइन आ रहा है यहाँ पे, मतलब कि हमारा यूज़र जो है ये डिसेबल इस वक्त है अभी। और अगर हम चाहते हैं कि इसको इनेबल करना, तो हम इसको देखिए दोबारा उसी तरीके से हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इनेबल अकाउंट कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये इनेबल हो चुका है इस तरीके से। और उसके बाद देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं सेल्स डिपार्टमेंट में, और मेरा जो यूज़र सुनील कुमार है, तो मैं चाहता हूँ कि ये इस यूज़र को मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दूँ, या मान लीजिए हमारे इस यूज़र का जो ट्रांसफ़र मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो गया है, तो हम चाहते हैं कि ये जो यूज़र है इस यूज़र को हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में के ओयू के अंदर हम इसको मूव करवा दें। तो देखिए हमें अपने यूज़र को सेलेक्ट करना है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए मूव का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मूव विजार्ड ओपन हो गया है। और यहाँ पे देखिए, हम जहाँ पे भी अपने यूज़र को मूव करवाना चाहते हैं, उस फोल्डर या उस ओयू को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके, देखिए इससे मान लीजिए मैं उसको मार्केटिंग में करवाना चाहता हूँ, तो बस यहाँ पे मार्केटिंग को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम ओके करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा सेल्स डिपार्टमेंट से यूज़र हट चुका है और यहाँ मार्केटिंग पे आके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा मार्केटिंग में यहाँ पे अब सुनील कुमार का यूज़र आ चुका है। तो इस तरीके से हम दोस्तों यूज़र को मूव भी करवा सकते हैं। और उसके बाद देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरा कोई यूज़र है जो अपना पासवर्ड भूल चुका है, काफ़ी टाइम से लॉगिन नहीं हुआ और वो अपने पासवर्ड को भूल चुका है, तो हम उसके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, मान लीजिए मेरा सुनील कुमार का यूज़र है, मैं इसके पासवर्ड को रीसेट करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का विजार्ड का ओपन हो गया यहाँ पे। और उसका देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमसे ओल्ड पासवर्ड नहीं पूछ रहा है, क्योंकि हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन है, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को ओल्ड पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर न्यू पासवर्ड दे सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू पासवर्ड दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने पासवर्ड को रिसेट कर दिया और उसके बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है, उसका मैसेज आ रहा है और उसका यहाँ पे हम ओके कर। तो देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि ये जो सुनील कुमार नाम का मेरा यूज़र है, मैं उसको किसी ग्रुप में ऐड करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से उसको भी वो भी करा सकता हूँ। तो देखिए मैं अपने सुनील कुमार यूज़र को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसका यहाँ पर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ऐड टू ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा सेलेक्ट ग्रुप का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे और उसका देखिए यहाँ पे हमारा फाइंड नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो यहाँ पे हम अपने एचआर, एक हमारा ग्रुप है हम चाहते हैं उसका मेम्बर बनाना, तो यहाँ पर उस एचआर ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे और उसका यहाँ पर हम ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा सेलेक्ट हो चुका है और उसका यहाँ पर हम उसको ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है कि हमारा ये ग्रुप का मेम्बर बन चुका है और उसका यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम अपने सुनील कुमार नाम के यूज़र पर जाके इसको चेक करते हैं, पर राइट क्लिक करते हैं एक बार और उसका देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे इसके और यहाँ पे मेंबर ऑफ पे जाते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे एचआर ग्रुप आ रहा है, मतलब कि जो हमारा सुनील कुमार नाम का यूज़र है वो इस एचआर ग्रुप का मेम्बर बन चुका है।
और उसके यहाँ पे हम ओके कर देते हैं कैंसिल। तो देखिए दोस्तों, हम यूज़र को रीनेम करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, हम यूज़र को रीनेम कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरा सुनील कुमार नाम का यूज़र है, मैं इसका नाम रीनेम करना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर हम राइट सेलेक्ट करके इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने रीनेम पर क्लिक किया, यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन इस तरीके से आ रहा है। तो हम चाहते हैं, हम यहाँ पर सुनील लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर सुनील करते हैं। जैसे ओके करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे एक रीनेम यूज़र का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा, अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमारा सुनील इस तरीके से नाम हमारा चेंज हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम अपने यूज़र्स को मैनेज करते हैं। अगर हमें इसको डिसेबल करना है, इनेबल करना है, पासवर्ड रीसेट करना है, तो हम इस तरीके से करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।